उमरान मलिक से डर नहीं लगता साहब, भारत से लगता है। ये हम नहीं कह रहे, ये साउथ अफ्रीका के कप्तान तैमूर बुमरा कह रहे। बड़े बोल कह दिया उमरान मलिक की उन्होंने कि भैया ऐसे कई गेंदबाज आए 150 के ऊपर गिरफ्तार के, खूब हमने गेंदबाज फेस किए, मलिक में कुछ खास बात नहीं है। क्या खास बात है उसमें, ये जरूर उमरान मलिक बताएंगे। 9 जून से जो T20 सीरीज शुरू हो रही है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में, लेकिन और क्या क्या बोला है, भारत के खिलाफ क्या ब्लूप्रिंट बना के आ रहे हैं, कैसे भारत को भारत में हराने की प्लानिंग कर रहे हैं बबूमा, आएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स टाइगर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया किस बात की देरी है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी हम लाइव आए, जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार तैमूर बुमरा ने बड़े बड़े बोल जो है इंडियन टीम के लिए कह दिए हैं, उमरान मलिक के लिए कह दिए। देखिए उमरान मलिक ने जिस प्रकार गेंदबाजी करी है पूरे साल, आप कह सकते हैं आईपीएल के लिहाज से जो सीज़न रहा उनका 2 से 2.5 महीने जो भी क्रिकेट हमने देखा उसमें सबसे बेहतरीन अगर कोई यंगस्टर निकल गया है पेस के लिहाज से तो उमरान मलिक। लगातार 150 से ऊपर गेंदबाजी करना, सभी का दिल जीतना, और अब मेडन कॉल अप कह सकते हैं आप उनको भारतीय टीम का मिल चुका है। तो अब तैमूर बुमरा से जब पूछा गया कि भैया जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस उमरान मलिक को आप कैसे फेस करेंगे, बुमरा ने बड़े साधारण शब्दों में अब ये कह लो कटाक्ष करते हुए कह दिया कि यार हमने उमरान मलिक जैसे गेंदबाज जो हैं काफ़ी फेस करें और बचपन से हम इन पिचेस पे खेले हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेस और बाउंस होता है, और ऐसे में उमरान मलिक जो है हमारे लिए कुछ ज़्यादा हानिकारक नहीं रहने वाले हैं, ऐसे गेंदबाज हम रोज़ खेलते हैं। अब एक मोटिवेशन के तौर पे आप कह सकते हैं कि उमरान मलिक के लिए ये एक स्टेटमेंट बन गया तैमूर बुमरा का कि वो चाहें तो जब वो फेस करने आएंगे उमरान मलिक, जब बुमरा को गेंदबाजी करेंगे तो एक वो बेहतरीन बैंटर देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर देखने को मिले उमरान मलिक के द्वारा, क्योंकि जिसकी कोचिंग में इतने ज़्यादा परिपक्व हुए हैं उनका नाम है डेल स्टेन। IPL में सनराइजर्स हैदराबाद की बोलिंग कोच के तौर पे जो है डेल स्टेन ने काम किया था, और बहुत ही ज़्यादा जश्न बनाते हुए दिखते थे जब उमरान मलिक विकटे लेते थे। तो एक बार फिर से मौका है उमरान मलिक के सामने कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आके अपना रन ज़रूर जमाए, क्योंकि सभी का दिल जीता, 22 विकटें उन्होंने ली इस IPL सीज़न के अंदर, और टॉप 5 जो लिस्ट हुई थी गेंदबाजों की उसमें वो शुमार थे। तो बड़ा ही दिलचस्प रहेगा किस प्रकार उमरान मलिक को अफ्रीका खेलता है, चाहेंगे हम कि बदला ज़रूर लें इंडियन टीम, क्योंकि 2-1 से टेस्ट सीरीज में हारना, 3-0 से वनडे सीरीज में हार, बड़ा ही खराब फेज रहा था भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका का दौर की जब हम बात करते हैं। अब बदला लेने का, रिवेंज लेने का वक्त आ गया है, देखते हैं किस प्रकार शुरुआत भारतीय टीम करती है। 9 जून से पहला T20 मैच खेला जाएगा, उसकी बड़ी कवरेज लेके आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इजाज़त दीजिए, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी इसे ज़रूर कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।